माय चैनल, माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजय दुर्गा रिएक्शन। तो मेरे सब्सक्राइबर की कमेंट आई, उनका नाम मानु महेश है, कि मैं विजय थलापति के ऊपर सोशल थर्टी फैक्ट्स बनाओ। तो आज हम देखेंगे विजय थलापति के जीवन कैसा था, उनकी जर्नी कैसी थी, जर्नी कैसे शुरू की उन्होंने, उनका इसमें साथ किसने दिया, और उनकी उनका स्ट्रगल लाइफ स्टोरी हम इसमें सब जानेंगे। तो इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नहीं होता, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। विजय कॉलीवुड यानी कि तमिल सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार हैं जो डाउन टू अर्थ होते हुए वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन इंडिया है। विजय के फादर खुद डायरेक्टर हैं, लेकिन थलापति विजय ने सारी फैन फॉलोइंग, अवार्ड और ऑडियंस का प्यार अपने टैलेंट से जीता है। विजय एक सुपरहिट एक्टर के साथ ही एक डांसर और सिंगर भी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं थलापति विजय की पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको इससे पहले किसी ने ना बताए हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो के पीछे काफी रिसर्च की है जो आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर वन, विजय की फर्स्ट डेब्यूट मूवी नालिया थेरपू 1992 में आई। यह मूवी विजय के फादर ने ही डायरेक्ट की थी। इसी के साथ हम आपको बता दें, विजय ने ऐसी टोटल 9 मूवीज की है जिसमें इनका नाम विजय ही है। यही कारण है कि ऑडियंस इन मूवीज को इनकी रियल लाइफ से जोड़कर ही देखती है। अब बात जब इनकी नाम की हो ही रही है, तो विजय का असली नाम शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, और इनके फैंस इन्हें थलापति के नाम से भी जानते हैं। पूरा नाम देख लो आप। थलापति विजय रजनीकांत सर के इतने बड़े फैन हैं कि इन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर रजनीकांत सर नहीं होते तो ये कभी सिनेमा में एंटर करते ही नहीं। और तो और, शायद आप सभी को आइडिया भी ना हो कि विजय 1985 में रजनीकांत सर की मूवी नान सिग्गप्पू मणिथन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सामने आए। इनके फादर ऐसे चंद्रशेखर कॉलीवुड के अच्छे डायरेक्टर्स में से एक है। विजय ने अपने फादर के साथ 15 फिल्मों में काम किया है, और जिसमें से 6 मूवीज ऐसी थी जिनमें इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया। नंबर 3, अब बात करते हैं विजय की मूवीज की, तो इनकी फर्स्ट मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर इतनी धूम नहीं मचा पाई, स्टिल वो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 3 हिट मूवीज की जो कि बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर रही। विजय ने अपने 25 साल के करियर में लगभग 60 मूवीज में काम किया है, और ये काम करने के बाद 20 से 25 डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं। शायद आपने कभी नोटिस ना किया हो, पर विजय बॉलीवुड में अक्षय कुमार की मूवी राउडी राठौड़ के सॉन्ग चिंता ता चीता चीता में एक शॉर्ट सा अपीयरेंस दे चुके हैं। अब जब अक्षय कुमार का नाम आ ही गया, तो हम आपको बता दें, अक्षय कुमार की मूवी हॉलीडे विजय की 2012 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी थुपक्की की ही रीमेक है। थुपक्की तमिल की एक हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। नंबर 5, तमिल सिनेमा में अगर विजय की फैन फॉलोइंग्स की बात करें, तो रजनीकांत सर के बाद शायद विजय ही ऐसे एक्टर हैं जिनकी फैन सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर, विजय ही अल्लू अर्जुन के अलावा नॉन मलयाली एक्टर्स में केरला स्टेट में इमेंस फैन फॉलोइंग और फेम रखते हैं। इनकी फिल्म थेरी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई, जिसने उस वक्त के बहुत सारे मलयाली फिल्म्स को बीट किया। नंबर 6, विजय की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो इन्होंने अपनी एक फैन संगीता सोनालिंगम से शादी की है, जो एक श्रीलंकन तमिल है। संगीता के बारे में ऐसा सुनने में आया है कि वो विजय की 1996 में आई मूवी पूवे उन्ना कागा में विजय की परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेस हुई कि वो उनसे मिलने सीधे ही चेन्नई में उनकी मूवी सेट पर पहुंच गई। संगीता के इस क्विक एफर्ट से इम्प्रेस होकर विजय ने संगीता जी को अपने घर इनवाइट किया, एंड लेटर ऑन ही मैरिड हर। विजय संगीता से फर्स्ट टाइम यूएस में 25 अगस्त 1999 को मिले। थलापति विजय के 2 बच्चे हैं, एक सन जेसन संजय और एक डॉटर दिव्या शाशा है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ इज, विजय ने अपने बेटे संजय का नाम अपनी वाइफ के नाम के आगे के 3 लेटर्स और खुद के विजय के नाम के पीछे के 3 लेटर्स से रखा है। नंबर 7, विजय के बारे में सुनने में ये भी आया है कि उनको जो चीज पसंद आती है वो उसे अपना बना लेते हैं। एक बार वो यूएस विजिट के लिए गए थे, तो वहाँ उन्हें टॉम क्रूज का बीच हाउस काफी पसंद आया, और तभी उन्होंने सोच लिया कि वो भी ऐसा ही घर बनवाएंगे। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उन्होंने नीलंकारी में वैसा ही बीच हाउस बनवा लिया। वाह भाई वाह।
नंबर 8 विजय ना केवल एक एक्टर है बल्कि एक प्लेबैक सिंगर डांसर और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। विजय अपनी 64 फिल्मों में काम करने के बाद काफी सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। उनमें 7 विजय अवार्ड्स, 3 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड SIIMA अवार्ड और एक कलाई ममानी जो एक आर्ट फील्ड में एक हाईएस्ट ऑनर है। इसे विजय ने होम सिनेमा इंडस्ट्री में एंट्री के 6 ईयर्स में 1998 में जीता। विजय इनकम और पॉपुलैरिटी पर बेस्ड फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में अपना नाम 7 बार दर्ज करवा चुके हैं। और विजय इतने अच्छे सिंगर और डांसर हैं कि एक्टर जूनियर NTR ने खुद कहा कि विजय उनके फेवरेट डांसर हैं। उन्होंने अपनी मूवीज में इनकी स्टेप्स भी कॉपी की है। नंबर 9 विजय यू ही नहीं डार्लिंग और मासेस कहलाते हैं। वो बहुत सारे सोशल वर्क्स में भी लगे रहते हैं। उनके मन में कॉमन पीपल के लिए काफी कंसर्न्स हैं और वो कॉन्स्टेंटली वो चैरिटी वर्क में लगे हुए भी नजर आते हैं। विजय का अपना एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम विजय मक्कालयक्कम है, जिसके थ्रू विजय अपने काफी सारे चैरिटी वर्क भी करते हैं। और तो और इनके फैंस भी ब्लड डोनेशन में पीछे नहीं रहते। लेकिन इन सब में भी सबसे अच्छी बात ये है कि विजय सोशल वर्क करते वक्त भी पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। विजय ने चेन्नई फ्लड 2015 के समय 5 करोड़ डोनेट किए। इनकी चैरिटी के बारे में सुना गया है कि इन्होंने एक टी स्टॉल वाले की बेटी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए हेल्प भी की थी। विजय के बारे में एक और अननोन फैक्ट ये भी है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो अपने परिवार के बहुत ज्यादा करीब है एंड विजय अपनी फैमिली की तरह पूरी तरह से डिवोटेड है। विजय अपनी बहन विद्या के बहुत करीब थे। विद्या की डेथ हुई तब वो केवल 9 इयर्स की थी। विजय विद्या की डेथ से काफी अफेक्ट हुए और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का भी नाम विद्या के नाम पर ही रखा है, द वीवी प्रोडक्शन। एक्चुअल में विद्या विजय प्रोडक्शन के लिए ही स्टैंड करता है। विद्या की स्टोरी को सुकरन मूवी में पिक्चराइज किया गया है। नंबर 11 विजय अपनी मदर शोभा जी की ही तरह एक अच्छी सिंगर भी है। उन्होंने अपनी फिल्म थुपक्की में फेमस सॉन्ग गूगल गूगल की सिंगिंग के लिए 2009 में अवार्ड भी जीता है। नंबर 12 विजय के एक फैन ने 2005 में इनकी मूवी की फर्स्ट शो टिकट ना ले पाने की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया। ये बात पता चलने पर विजय को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने फैंस के घर तक जाकर उनसे रिक्वेस्ट भी की कि वो इस तरह का बिहेवियर ना करें। यही नहीं, थलाइवे के रिलीज में डिले होने की वजह से उनके एक फैन ने सुसाइड कमिट कर लिया था एंड 2020 में मास्टर मूवी के डिले होने की वजह से बाला नाम के एक फैन ने भी सुसाइड कमिट कर लिया। नंबर 13 अगर विजय की सक्सेस की हम बात करें तो विजय ने मलयालम एक्टर मोहनलाल के साथ इनकी मूवी जिला में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही। विजय की 2017 में रिलीज हुई मार्शल एक फास्टेस्ट तमिल मूवी है जिसने 6 डेज में सेंचुरी मार्क्स को क्रॉस कर लिया। 2004 में विजय की एक और एक्शन एंटरटेनर मूवी गिल्ली आई थी जो तेलुगु मूवी में ओकाडू की रीमेक थी। विजय की इस मूवी ने इन्हें मेगा स्टार बना दिया। इस मूवी ने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का मार्क्स क्रॉस किया। ये मूवी ब्लॉकबस्टर पर पूरे 200 डेज चली। विजय को बतौर एक्शन हीरो इसी मूवी ने एस्टैब्लिश किया। इसी के साथ अपड़ी पोड़े सॉन्ग ने भी इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर किस्मत ही चमका दी। नंबर 14 1993 में तमिल मंथली मैगजीन में विजय को अगली और अनफिट बताया गया, पर जब विजय ने अपने हुनर से कामयाबी हासिल कर ली और बहुत ही सुपरहिट मूवी देकर जो फेम और नेम कमाया, उसके चलते सेम मैगजीन ने कुछ ही सालों के बाद उनके लुक्स की तारीफ भी की। लुक्स तो बहुत अच्छा है विजय सर का। विजय के पास 15 मिलियन का फैन बेस होने के बावजूद भी उन्हें बहुत से स्टूपिड रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज किया गया। कभी उनके लुक्स को लेकर तो कभी उनके बारे में कहा गया कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इन्हें इतनी आसानी से मूवीज मिल गई। इसके अलावा करियर की स्टार्टिंग में विजय की मूवीज इतनी हिट नहीं हो पाई। लोअर कास्ट का होना भी एक रीजन था जिसकी वजह से अपने करियर की स्टार्टिंग में इतना प्यार नहीं मिल पाया इन्हें। नंबर 16 विजय पहले त्रिशा और संघवी के साथ गॉसिप में भी आए थे। त्रिशा साउथ फिल्म्स की रेनिंग क्वीन है। विजय के साथ त्रिशा की फर्स्ट अफेयर्स की रूमर्स काफी सुनने में आई। वो दोनों फर्स्ट टाइम गिल्ली मूवी के सेट पर मिले थे। वहीं संघवी 4 फिल्मों में विजय के अपोजिट एज अ लीड फीमेल एक्ट्रेस काम कर चुकी है। नंबर 17 Well, it is official now. The Ilaiya Thalapathy will make his entry into politics. विजय को शुरू से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है। सुनने में आया है कि विजय के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किया है। पिछले कुछ सालों से विजय की पॉलिटिक्स में एंट्री डिस्कशन का एक टॉपिक बन गई है। इनकी मूवी सरकार एंड मार्शल में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के इशूज जैसे GST, करप्शन, कैश फॉर वोट, हेल्थ केयर सिस्टम पर क्रिटिसाइज भी किया गया है। विजय की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर अलग अलग स्पेकुलेशन हुए हैं। विजय हमेशा से ही अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर एक्सपेंसिव रहे हैं। नंबर 18 1994 रसीगन तमिल मूवी के बाद विजय का लाइफ लॉन्ग नेम थालापति ही हो गया। इनके फैंस और मीडिया में इन्हें थालापति के नाम से कंसीडर किया गया। ये तमिल के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। नंबर 19 विजय के बारे में एक और अननोन फैक्ट ये काफी कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी डेब्यूट मूवी विजय के अपोजिट की थी। 2002 में आई तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म थमिज़ान में प्रियंका चोपड़ा ने फर्स्ट टाइम सिनेमा इंडस्ट्री में कदम रखे।
नंबर 20, विजय ने 2007 में तमिल मूवी पुक्कीरी की, जो कि तेलुगु मूवी की रीमेक थी। तमिल बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट ऐसी मूवी थी ये जो बॉक्स ऑफिस पर 100 डेज तक चली। विजय की इस मूवी से सलमान इतने इंप्रेस हुए कि सलमान ने प्रभुदेवा के साथ बॉलीवुड में इसकी रीमेक वांटेड भी बनाया। नंबर 21, यही नहीं विजय ने बॉलीवुड में आमिर खान की 3 इडियट फिल्म की रीमेक कॉमेडी ड्रामा नंदमन में एज ए लीड रोल काम किया। इनकी ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर 100 डेज तक चली। इस मूवी में विजय ने आमिर का रोल प्ले किया। इस रोल के लिए विजय को काफी तारीफ मिली और विजय ने भी इस रोल को बखूबी निभाया है। नंबर 22, विजय ने अपनी थ्रिलर मूवी मार्शल में ट्रिपल रोल प्ले किया है। ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक है। ये मूवी 2017 में तमिल की मोस्ट सक्सेसफुल रिलीज रही, जिसने सुपरस्टार के करियर को एक अलग चार्म दिया। नंबर 23, विजय को बॉलीवुड से काफी फिल्मों के लिए ऑफर आए, बट ये कॉन्स्टेंटली इनके लिए मना करते चले गए। बॉलीवुड की काफी मूवीज विजय की मूवी की रीमेक है, बट विजय की मूवीज की बात करें तो ये हमेशा ही अलग बात रखती है। Pull up in the middle with a little bit of rage and a gas for the vengeance. Better put a cap on my angle. Tell me how to choke it, nigga. विजय की मूवीज की स्क्रिप्ट ऑडियंस को बहुत पसंद भी आती है और यही कारण है कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स विजय की मूवीज से इतना अट्रैक्ट होकर बॉलीवुड रीमेक बना चुके हैं। नंबर 24, विजय के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्हें भी अपने पापा की तरह बचपन से कार्स का काफी क्रेज रहा है और वो यूजुअली लेटेस्ट कार्स बाय करते रहते हैं। 13 साल की उम्र से ये बहुत ही स्मूथली ड्राइव करते थे। उस वक्त भी इनके साथ ट्रैवल करना भी प्लेजर वाली बात थी। नंबर 25, धूल एक ऐसी मूवी थी जिसको विजय करना चाहते थे। पहले ये मूवी इनको ऑफर की गई थी, पर विजय को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने इस मूवी के लिए रिफ्यूज कर दिया। बाद में ये मूवी बहुत सक्सेसफुल हुई और उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि इस मूवी के लिए उन्होंने मना क्यों किया। नंबर 26, विजय ने अपने फादर के साथ काफी फिल्म्स की है, पर अपनी माँ के साथ काम करने का मौका उन्हें एक ही बार मिला। विजय ने अपनी माँ के साथ एक एड में काम किया था, जिसमें वो अपनी माँ के लैप में लेटे हुए एक सीन में दिखाई देते हैं, जिसके लिए उनकी माँ ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उन्हें थैंक यू कहा और कहा कि उनकी वजह से उनका बेटा इतने टाइम के बाद उनकी लैप में सोया। नंबर 27, दोस्तों अगर हम कहें कि जो अगला फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो विजय की लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। थालापति विजय के बारे में ये फैक्ट ऐसा है जो शायद ही अपनी लाइफ से कोई रिलेट कर पाए। विजय ने अपनी स्कूलिंग की इनिशियल फेज यानी कि नर्सरी की स्कूलिंग गर्ल्स स्कूल से की थी, क्योंकि कोई भी गर्ल्स स्कूल किसी भी बॉय को एडमिशन नहीं देते हैं। ये फैक्ट विजय की लाइफ की सबसे यूनिक फैक्ट है। फतिमा गर्ल्स हाई स्कूल में नर्सरी क्लास में विजय अकेले लड़के थे। नंबर 28, अब जब पिछला फैक्ट गर्ल्स स्कूल एंड लड़कियों से रिलेटेड था तो हम आपको बता दें, विजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको क्लास 10th में कुछ लड़कियों पर क्रश था, लेकिन विजय का नेचर शाय एंड पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होने के कारण बात कभी भी क्रश से आगे बढ़ ही नहीं पाई। नंबर 29, वहीं अगर हम बात करें विजय और क्रश को लेकर, तो आज के टाइम में विजय की इमेज और पॉपुलैरिटी और पर्सनालिटी ऐसी है। 2020 के नेशनल क्रश ऑफ इंडिया रश्मिका मंदाना और साथ ही रम्या पंड्यन का कहना है कि उनको विजय पर हमेशा से ही क्रश है और वो एटलीस्ट एक बार विजय के साथ एक मूवी करना चाहती हैं। थालापति विजय से रिलेटेड नॉलेज कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, वो कैसे सक्सेस हुआ, कैसा आप लोगों को कैसा लगा, मेरा रिएक्शन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे बनाऊं। तो मैं यूट्यूब पे नहीं हूं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखना। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।